आज का चर्चा को लीची का शहर को लेके चले, तो कैसे हम लोग स्टेप वाइज कैसे चले ताकि हम लोग उसको ये जीआई का जो भारत सरकार का प्रावधान है इसका हम लोग कैसे फायदा ले पाए। मुझे याद है पिछले वर्ष जब मेरा लीची का बगीचा है, हम लोग का भारत राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का बगीचा जब टेंडर होता है और ऑक्शन हो गया, तो जिनको ऑक्शन मिला था, मैं जब तुड़ाई शुरू हुआ तब मैं देख रहा हूँ कि वो कार्टून बना के लाए हैं लीची का, जिसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र। मैं इमिडिएटली उनको रोका, भाई आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, कोई मेरा संस्थान का अगर आपको नाम का इस्तेमाल करना है तो पहले मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा आपको और तभी जाके आप कर पाएंगे। तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर हम 3 लाख रुपया का खाली कार्टून बना लिए हैं और इसमें लीची अनुसंधान केंद्र का नाम लिखे हैं, क्योंकि हम लोग आपका बगीचा टेंडर में लिए हैं और यही लीची जब दिल्ली पहुंचेगा, मतलब किलो 70 रुपया बाकी लीची जाता है, ये लीची 100 रुपया में जाता है। और ये मैं तारीख बता रहा हूँ, मई के लगभग 13-14 तारीख से तोड़ना शुरू करते हैं। और आप सबको पता है कि यहाँ का लीची में मिठास, सही मिठास आते आते लगभग मई के 25 तारीख के आसपास में सही मिठास आता है। तो हम उनको बोले अभी तो पूरा खट्टा होगा, मतलब मई 15 तारीख का लीची अगर जा रहा है दिल्ली तो वो तो खट्टा लीची है, ये आपका कौन खरीदेगा। वो बोले कि सर आप इसमें एनआरसी लीची का, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का नाम लिखा हुआ है, इतना काफी है और ये इमिडिएटली 30 रुपया मेरा दाम बढ़ा देता है। बोले ये खट्टा लीची आप मेरे संस्थान को बदनाम कर रहे हैं, तो सर दिल्ली में लीची कौन जानता है कितना मीठा होना चाहिए। तो मैं उसको मना किया, नहीं आप मेरे संस्थान का लीची को बदनाम नहीं कर सकते हैं, बाय चांस किसी जानकार आदमी के हाथ में जाएगा तो मेरे संस्थान का बदनामी होगा, आपको अगर जल्दी तोड़ना है मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे कार्टून में नाम लिखा हुआ कार्टून में नहीं जाएगा, जब 20 तारीख के बाद जो भी आप लीची भेजेंगे उसमें आप मेरे संस्थान का नाम लिख सकते हैं। तो ये मैं इसलिए आपको यहाँ पे रख रहा हूँ, ये छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब जस्ट केवल एक राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र का नाम केवल छाप देने से, वो सोचिए एक कार्टून, एक केजी में अगर उनको 30 रुपया मिल जा रहा है, कार्टून में लगभग 20 केजी के आसपास, मतलब 600 रुपया एक कार्टून हो गया, वो डेली 2-2 ट्रक लीची वहां से जा, सोच लीजिए खाली एक नाम डाल देने से वो कितना रुपया एक्स्ट्रा कमा ले रहे थे, जिसका मतलब क्यों हम लोग को ब्रांडिंग का जरूरत पड़ता है। हम सब जानते हैं कि कोई बिना ब्रांड का चीज, और जो सुबह से बात हो रहा है कि छोटा सा छाप एक डाल देने से और उसमें कितना बदलाव हो जाता है, ये हम सब समझते हैं, लेकिन वो एक छाप को एक अधिकृत रूप से देना एक बहुत आसान चीज नहीं होता है कि हम एक अधिकृत रूप से एक छाप दे देना। क्योंकि कल भी मैं जहाँ पे किसानों से बात कर रहा था, किसान लोग, मैं सुबह ही बोल रहा था कि किसान आप बुझ के यहाँ पे बिहार में बोलते मेरे लीची से अच्छा लीची और कहीं नहीं है, ये यहाँ के बिहार के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इन जिलों, 3 जिला के किसान को पूछ लीजिए, वो बोले ऐसा दूसरा लीची हमसे अच्छा हो ही नहीं सकता है, शाही लीची से दूसरा लीची कैसे अच्छा हो, वो दिल से जुड़ा हुआ है। तो हमको अगर इस दिल का जुड़ाव को अगर ब्रांडिंग करना है, अब जो हम सही चल रहा है कि हम अपना लीची, मुझे गर्व है, अब आ गया है कि अपना लीची का शहद को भी मुझे ब्रांडिंग कर लेना है, और क्योंकि ये यहाँ का शहद भी मेरा दिल से जुड़ चुका है, जबकि मैं झारखंड से आया हूँ, मैं इससे पहले 22 साल झारखंड से आया, तो यहाँ का शहद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ का मुझे करंज का शहद खाने के लिए मिलता था, नीम, क्योंकि वहाँ जंगल का शहद आता है, ज़्यादा गाढ़ा शहद होता है, और लीची का शहद थोड़ा पानी वाला शहद होता है। तो लेकिन ये शहद यहाँ हमारे साथ दिल से अगर जुड़ा हुआ है तो हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा शहद बाहर में इसका बदनामी हो। और तब से सुबह से इस चीज का बात चल रहा है कि हमको अगर सही में लीची का टैगिंग में जाना है, लीची का ब्रांडिंग करना है, तो इसमें केवल शहद का ग्रोथ एक भागीदार नहीं है, ये एंटायर प्रोसेस में, अगर जी मुझे नहीं पता आज के कार्यक्रम में कितने जन लीची के किसान हैं, आज के कार्यक्रम में कितने लीची का ट्रेडर है, मुझे वो नहीं पता।
अगर केवल शहद के किसान इस कार्यक्रम के भागीदार आज भाग ले रहे हैं तो इसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इतना भी आप सब जानते हैं कि बिहार में एटलीस्ट 95% जो बगीचा होता है जनवरी महीने के बाद वो ट्रेडर के पास जाता है, जो लीची का ठेका लेते हैं और वो 2-3 साल के लिए ले लेते हैं, वो लीची का स्प्रे वो लोग डिसाइड करते हैं। और हमारे लीची अगर मार्केट में अगर हमको जिस प्योरिटी के साथ जाने का आप बात कर रहे थे जिसमें बिल्कुल जहरीला पार्ट नहीं है, तो वो हमको ट्रेडर के साथ बात करना पड़ेगा। जीआई टैगिंग के लिए केवल शहद के प्रोड्यूसर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं, अकेला नहीं हो सकते। इसमें लीची के ग्रोवर्स और पर्टिकुलरली लीची के ट्रेडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर हमको यहाँ के शहद को विदेश भेजना है ब्रांडिंग करके जिस टाइप का हम उसको स्टेटस देना चाह रहे हैं। और यहाँ पे वी ऑल ऑफ अस हम सबको एक साथ हाथ जोड़ना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इस काम को करें। जब मैं हमारा जो आदमी अभी शहद ले रहे हैं इनको जो हम पूछे अभी लीची आपका मार्च के महीना जब खत्म होगा, अप्रैल का महीना मिड ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम चाइना खत्म होते होते एंड ऑफ अप्रैल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? बोले कि उसके बाद तो हमको चीनी अगर शहद थोड़ा मिला, क्योंकि तब तक सरसों निकल जाएगा, थोड़ा बहुत मूंग आप लोग मूंग में डालते हैं, मूंग का शहद लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद नहीं हमको चीनी खिला के रखना पड़ता है। उसके बाद वो उसका सीजन फिर आएगा जाके नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में आएगा, तब कब तक लीची दूसरा फूल कब मिलता है आपको? आपसे पूछ रहा हूँ, आपका जो मधुमक्खी आप पालन करते हैं नेक्स्ट टाइम फूल के लिए कब आपको फूल मिलता है उसको खिलाने के लिए? कौन सा बेल? अच्छा बेर, बिहार में बेर सफिशियंट मिल जाता है आपको जितना मधु आप बाहर जाना पड़ता है, वही मतलब जहाँ बेर मतलब राजस्थान जाना पड़ेगा या हरियाणा जाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्रंच में जाते हैं, फिर उसके बाद इसे जामुन में चलते हैं, जामुन जाते हैं बरसात के लिए हम लोग। खत्म होता है तो ये अच्छे किसान है, क्योंकि मुझे जब आने के बाद कुछ कुछ जो हमारे शहद के ग्रोअर से बात किया वो पिछले बार शहद में बहुत कम पैसा मिला था। पिछले बार मुझे न्यूज़पेपर में आया था कि 60 से 70 रुपया लीटर उनसे खरीदा गया और शहद के किसान चीनी का पैसा नहीं निकल रहा था जो चीनी खिलाना पड़ता है उसके बाद। तो उनसे फिर मैं अपने झारखंड में, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं उनको करंज के जो एरिया है उनको साथ वो तो जंगल में रखने के लिए थोड़ा दूसरा टाइप का अप्रोच चाहिए, उनके साथ लिंकअप किया, देन वो वहाँ करंज का डब्बा रखवाया, फिर उसके बाद नीम वाला एरिया, जामुन वाला एरिया। उस तो ये जो चेन है हम लीची में रोक नहीं सकते हैं, मतलब हम सुबह भी इस बात को किए थे, मेरे लिए शहद हम अगर जीआई में चल रहे हैं लीची का शहद में, हम खाली शहद नहीं देखना चाहिए, हमको शहद बनाने वाले मधुमक्खी को भी देखना पड़ेगा, वो मधुमक्खी सही फूड उसका चैनल सही चल रहा है कि नहीं। अगर हम मधुमक्खी का चैनल को सही देखेंगे ही नहीं, केवल हमको दिखेगा शहद, तो मुझे पता है कि लॉन्ग रन में हम जस्टिस नहीं करते। आप अगर विदेशों में जीआई टैग प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे वहां पे फूलों का मैदान लगाया जाता है ताकि मधुमक्खी आके बच्चा रहे जिंदा रहे, हमारे पास इसका कल्चर नहीं है। हम लोग बिहार में या पूरे देश भर में इस कल्चर नहीं है, हम मधुमक्खी को बचा के रखने के लिए रैंडम फोरेजिंग सिस्टम हमारे पास नहीं है। हम एक स्टेज में फिर उनको चीनी खिला के रखना पड़ता है, मुझे वो हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए एक कंप्लीट सिस्टम का थिंकिंग चाहिए। इस ये जो स्टेक होल्डर्स है, हमको लीची शहद का अगर जीआई करना है, इस स्टेक होल्डर्स में लीची ऑर्चर्ड के ओनर्स, जो ट्रेडर है जिनको स्प्रे करना है, लीची क्रॉप को सेफ रखना है, जो मधुमक्खी का ग्रोअर्स है, और जिनके पास वो नॉलेज है कहाँ पे वो मधुमक्खी कैसे ग्रो होगा सेफली, ताकि उसको वो बाद में उसको सफिशिएंट फोरेजिंग के लिए फूल मिलेगा, क्योंकि उसको पोलन चाहिए, उसको नेक्टर चाहिए उसका हेल्दी ग्रोथ के लिए। तो वो एंटायर सिस्टम को लेकर साथ में चर्चा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जीआई रखा गया है कम्युनिटी के लिए, जीआई कभी भी एक इंसान के लिए नहीं रखा गया है। जीआई का कॉन्सेप्ट है कि उस ज्योग्राफिकल लोकेशन का जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को कैसे हम फायदा दे सके,
ब्रांडिंग के बारे में इतने सुंदर बात की, कैसे हमारा प्रोडक्ट को हम अच्छा बाहर बात सारा चीज का हम कर लेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा। आप जीआई, क्योंकि अभी मैं बिहार लीची ग्रोथ एसोसिएशन वाले मेरे पास आते हैं, उन जिनके पास शाही लीची का जीआई टैग हुआ, उसका एंटर ब्रांडिंग करने के लिए, एंटर रेसिड्यू एनालिसिस करने के लिए अभी मेरे पास मैसेज आया है, मुझे लीची का रेसिड्यू एनालिसिस करवाना है, मुझे अभी पुणे भेजना है, और उसका कॉस्ट इज कमिंग लाइक 10 लाख रुपया खाली आ रहा है, उसमें रेसिड्यू है कि नहीं जानने के लिए। सिमिलरली अभी और एक लीची का मैं आपको, आप पता नहीं आपको है, पता है कि नहीं कि बिहार लीची हनी ग्रोअर्स एसोसिएशन अभी एक बना रहे हैं, आप पता नहीं, आप कृष्ण गोपाल जी को जानते हैं, आप सुने अगर, तो वो एक बार मुझे मैसेज भेजे थे, शायद वो लोग कुछ बना रहे हैं, कुछ लीची हनी ग्रोअर्स एसोसिएशन जो लोग, तो आप लोग से कहेंगे संपर्क कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि जैसे राजन सर बताया कि सबको, सब चाहेंगे हम अलग अलग करेंगे, तो ये जीआई का पर्पस बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ। मैं जैसे बताया कि एक बड़ा काम है, इसमें सभी भागीदारी का इक्वल रोल है, ये केवल शहद प्रोडक्शन का बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कैसे हम, क्योंकि ट्रेडर लोग को स्प्रे कराने के लिए हम, जब किसान को पूछते हैं, आप ट्रेडर को पूछे हम आप कौन सा दवाई डालें, ट्रेडर बोल रहा है मुझे नहीं पता, यह जो सुधीर जी है दुकानदार है वो जो दवाई देते हैं बढ़िया काम करता है, हमको उस दुकानदार को ट्रेनिंग देना है, ये ट्रेडर के पास भी इनपुट का इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं है, वो ट्रेडर सीधा जाता है, वो लोग पूरा एंटर, मैं पता किया कल कांटी एरिया का एक या दो दुकानदार है, सारे ट्रेडर उनसे इंसेक्टिसाइड लेते हैं, और उनका पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे वो सेफ इंसेक्टिसाइड दे ताकि मेरा लीची का जो शहद बनेगा वो पेस्टिसाइड फ्री होगा, ताकि आपका जो शहद बनेगा पेस्टिसाइड फ्री होगा, बाहर जब टेस्टिंग में जाएगा बदनामी नहीं होगा। तो सोच रहे ना कितना बड़ा चेन है ये केवल हम, मेरा एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन से नहीं होगा, इसमें मैं आज अपने आप को भाग्यवान महसूस कर रहा हूं कि इस मीटिंग में मैं भाग लिया, बहुत सारा चीज मेरे दिमाग में आया कि लीची अनुसंधान केंद्र की तरफ से हम आगे अपना जो ये अनुसंधान क्या क्या और दिशा में लेंगे, पर्टिकुलरली लीची का जो यहाँ पे हम लोग अगर जीआई में जाएंगे उसका गुणवत्ता के बारे में जरूर डिटेल में, आप जैसे बता रहे कि ठंडा करता है यहाँ पे, तो वो क्या चीज है जो रियली ठंडा करता है, हम जरूर कंपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में भी उतना ही मात्रा में लीची का शहद प्रोड्यूस होता है, आप जाइए उत्तराखंड में लीची का शहद प्रोड्यूस होता है, तो वो सारे लोग सारे जगह से लीची ला के हम जरूर उसका वो पता चल जाएगा उसमें फर्क क्या है, हम लोग टेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए भी मैं, मुझे कुछ यहाँ से जाने के समय बहुत सारा मैं टेक होम मैसेज लेके जा रहा हूँ, जिसमें हम अपना अनुसंधान करेंगे, और आप सबसे मेरा निवेदन है, जितने किसान लोग हैं, दीदी लोग हैं, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र आपके ही संपन्नता के लिए लगे हुए हैं, हम हर महीना हमारे केंद्र में किसान वैज्ञानिक वार्ता करते हैं, आखिरी हफ्ता में हम आपको उसका डेट जनरली, अगर आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा हम बता देते हैं, सभी किसान उसमें आ सकते हैं, आप शहद का प्रॉब्लम का बात कर सकते हैं। अभी एक दीदी पूछ रही थी कि हम लीची का स्क्वाश बनाना चाह रहे हैं, उसको जीआई कर सकते हैं कि नहीं, जैसे राजन सर बताया कि जीआई है कि उसका हिस्टोरिकली होना चाहिए, अगर लीची का स्क्वाश यहाँ पे 300 साल से बना रहे हैं, क्योंकि लीची बिहार में ही केवल 300 साल पहले आया है, उससे पहले तो चाइना में था, यहाँ पे 300 साल पुराना ही केवल है, तो स्क्वाश का इतना इतिहास नहीं होगा, लेकिन शहद का इतिहास लगभग 100 साल तो कम से कम होगा ही, और हाँ 1200 साल नहीं है, बुद्धिस्ट के समय में लीची यहाँ पे आया ही नहीं था, ये चाइना में तब था, लेकिन शहद बहुत पहले से हो रहा है, लीची का शहद ऑब्वियसली नॉट मोर देन 150 साल से ज्यादा नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा 200 साल होगा, क्योंकि लीची ही खुद यहाँ पे 300 साल पहले आया है। और आप सबसे मेरा निमंत्रण रहेगा मेरे इंस्टीट्यूट में, आप लोगों का जो जैसे बताया, हम सब एक साथ मिलेंगे तो इस चीज को साकार कर पाएंगे, जो हम जीआई से किसानों को सारे भागीदार को फायदा देने की बात कर रहे हैं, जब हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, अकेले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके हम जीआई का फायदा नहीं ले पाए, जरूर आप अपना बिजनेस जरूर कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, और हम भारत सरकार की तरफ से आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग इस काम में आपके साथ हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।